एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं दक्ष के स्कूल में गई थी, आज पीटीएम था तो सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग करने का, तो फाइनली आज मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। और आज पूरे दिन का जो ये व्लॉग है मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये ताजा ताजा गाजर और मूली आ गई है, तो इसको मैं अभी छील लेती हूँ और सलाद अच्छे से बनाऊंगी और उसके बाद में खाना खाऊंगी। बहुत जोरों की भूख लगी है, आज भी सुबह से इतना ज्यादा बिजी थी क्योंकि दो दिन के बाद मैं आज हाउस हेल्पर आई थी तो बहुत सारा काम हो रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, लाल लाल गाजर आना शुरू हो गया है, मेरी फेवरेट है ये। और सर्दियों में तो खाने की चीजें बहुत बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने की चीजों के, तो आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे भी कमेंट में बताइए। और ब्लॉग आपको मेरे कैसे लग रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आधी नजर आऊंगी बिकॉज ऑफ कैमरा की सेटिंग अभी ढंग से नहीं की है मैंने। गाजर दिखने में जितनी लाल दिख रही थी ना उतनी मीठी तो नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग पता नहीं कितने दिनों का ब्लॉग बन करके आपके सामने आएगा। आपके सामने तो बैक टू बैक मैं डाल ही रही हूँ ना, लेकिन वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। वीडियो की शूटिंग करती हूँ, बीच बीच में कुछ काम आ जाता है और जो चीज़ दिखाने लायक होती है वो दिखा देती हूँ आप सभी को ब्लॉग में। तो अभी मैं फिलहाल कहीं पर जा रही हूँ और वैसे तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी वहाँ पर आएंगे, तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार जाकर देखा जाए कि गांव में ऐसा क्या प्रोग्राम है। और ये देखो, दक्ष हमारा बिल्कुल हिमाचली बॉय बन करके रेडी हो गया है। ये हम जब मनाली गए थे, आपने मनाली वाले व्लॉग नहीं देखे हैं ना, तो वो भी जाकर के ज़रूर देखिए। मैंने बिल्कुल इतने अच्छे व्लॉग आप सभी के लिए बनाए हैं मनाली और शिमला के, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये वहीं से ही मैंने लिया था इसके लिए कैप, हिमाचली टोपी है ये इसकी, और इसको फिर मैंने प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में तैयार कर दिया है। तो और मैं नहीं हुई हूँ भाई ट्रेडिशनल लुक में तैयार, मेरे तो जो अपने कंफर्ट वियर थे वो मैंने पहन लिए हैं। और ये हाथ में आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा कोल्ड क्रीम भी साथ में लेके जाती हूँ क्योंकि बार बार अगर हम हैंड वॉश करते हैं या सैनिटाइज करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है हाथों पर, तो फिर लगा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ विलेज सफारी में, जो कि बूंदी के अंदर ठीकरदा गांव है उसके अंदर जा रही हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स आएंगे, वो बेसिकली ऐसा है मेला, हस्तशिल्प मेला है। आप जिसे गांव के लोगों की जो कार्यशैली होती है वो किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं, जैसे चूल्हे पर खाना बनाना, घट्टी में वो दाल बनाना या आटा बनाना, तो वो सारा प्रोसेस जो ये फॉरेनर्स आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ही मैं देखने जा रही हूँ वो सारी चीजें कि वहां पर क्या क्या होता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ठीकरदा गांव में। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फॉरेनर हैं, यहाँ के लोकल पब्लिक में इतने घुल मिल जाते हैं कि इनको लगता ही नहीं है कि ये बाहर की कंट्री के हैं। और इन लोगों को यहाँ का जो कल्चर है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कहीं ना कहीं हम इस कल्चर को भूलते जा रहे हैं। देखिए कितनी अचंभे वाली बात है। और ये लोग यहाँ पर आकर के इतना एंजॉय करते हैं, जो कि मैंने खुद ने आज फील किया है कि ये लोग इतने अलग कल्चर से आते हैं लेकिन इनको ये जो गाँव का जो वातावरण है, गाँव का जो ये कल्चर है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैंने खुद ने आज ये चीज़ महसूस की है। और यहाँ पर देखिए ये मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, ये इस चाक पर किस तरीके से बना करके दिखा रहे हैं, जो आपको देख करके मज़ा ज़रूर आया होगा। और इस पर तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने एक दिया का शेप बनाया है। साथ में मैंने भी आज ये चीज़ आजमाई और देखा कि जो चीज़ देखने में जितना आसान लगती है ना उतना ही मुश्किल होती है। और मुझसे अभी बनाऊँगी तो आप देखना, बन गया था, थोड़ा बहुत कोशिश की थी मैंने। और फाइनली अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप,
ये चीज तो इतना मजा आ रहा था इसको देख करके कि सबने इसमें चूल्हे पर खाना बनाया। बहुत अच्छे चूल्हे लग रहे थे, देख सकते हैं आप चूल्हे कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मक्के की रोटी बना रहे थे, यहाँ पर सब्जी बन रही है और उसके बाद में अभी तो आप हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे। अच्छा कहाँ पे आगे है ना, तो विलेज सफारी से आ गई थी। उसके बाद में वहाँ पर बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे वहाँ पर। और अभी घर पे जाऊंगी और अपना वो करना है मुझे। और आज संडे है ना, तो थोड़ा सा चिल मोड में चल रही हूँ मैं। और अभी शाम को भी जाऊंगी, आपको सबको लेके जाऊंगी। यहाँ पर हस्तशिल्प का मेला लगता है बूंदी उत्सव में, तो वहाँ पर जाऊंगी। देखते हैं क्या क्या कौन कौन से स्टेट से वहाँ पर शॉप लगी है, और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या वहाँ पर मिलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, मैं वैसे टिफ़िन पैक करके लाई थी। ये देखिए रोटी है, रोटी पे घी लगा के लाई थी क्योंकि पराठा नहीं लाई थी ना। और ये अचार है जो कि ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे पराठे भी अच्छे लगते हैं अचार के साथ में, पर आज मैंने रोटी के ऊपर घी लगा लिया और लेके आई हूँ। अब इसको खाऊंगी, मज़ा आएगा। ये जो है ना कैरी का अचार, स्कूल के दिनों की याद दिला देता है ना, बताइए। रास्ते में कहीं के जाते हैं ना, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा मिर्ची फ्राई करके ले जाओ और मस्त पराठे या रोटी पे घी लगा लो, और पराठे के साथ में तो मजा ही कुछ और है। और अपने हाथों का खट्टा और तीखा कैरी का अचार ये जरूर होना चाहिए। याद है स्कूल डेज में कैसे टिफिन लेके जाते थे और सारे फ्रेंड्स मस्त गोला बना के एक दूसरे का खाना टेस्ट करते थे पहले, उसके बाद में बैठ के मजे से खाना खाते थे। वैसे ही फील आ रहा है अभी भी मुझे मुझे लग रहा है मैं ब्लर आ रही हूँ। और ये नेचुरल लाइट है ना, इतनी ज्यादा वाइट दिख रहा है ना मेरा फेस। चलिए थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। शाम का बज रहा है 4:30 बज गया है सॉरी, और मैं वहाँ से आ गई, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद में भी शाम के खाने की तैयारी हो रही है, आटा लग रहा है और बैंगन का भरता मैंने बना के रख दिया है। और अभी मैं जाऊंगी जो हस्तशिल्प मेला लगा है ना उसको देखने के लिए जाऊंगी। 7 states से वहाँ पर शॉप आई हुई है, तो देखते हैं कौन कौन सी शॉप लगी है, क्या क्या वहाँ पर है, लेने लायक होगा तो लेके भी आऊँगी, आपको दिखाऊँगी भी सही। तो और आज ना मेरे इस वाले कान के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, इतना तेज़ दर्द है कि इसका पूरा दर्द मेरे यहाँ तक जा रहा है, पूरे सर में यहाँ तक जा रहा है। अगर नहीं मिटता है ना तो आज तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है मेरे कान के अंदर और वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, बट दर्द बहुत ज़्यादा है यहाँ से और यहाँ तक का पूरा मेरा सर में दर्द है। अगर नहीं मिटता है तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो शाम का खाना वाना कंप्लीट करके और अब मैं निकल गई हूँ, जो हस्तशिल्प मेला चल रहा है ना बूंदी उत्सव का, उसको देखने के लिए निकल गई हूँ। मैंने जो मॉर्निंग में जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन लिए, वॉच पहनी है आपको दिख नहीं रही होगी, और साथ में पानी की बोतल ले ली है। दक्ष से हाय। और ये अपना छोटा सा ये क्लच है जो कि मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो दीदी है वो गोवा गई थी तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट। और ये नीचे डेनिम पहना है, ऊपर मैंने ये जो हुडी है ना ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो ये अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैंने इसका आई थिंक वीडियो रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाहर के स्टेट्स की तो दुकानें मुझे यहाँ पर लगभग बहुत ही कम नज़र आई है, मतलब नज़र ही नहीं आई है। एक कश्मीर की शॉप ज़रूर थी वहाँ पर, और ये लोकल जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि भीलवाड़ा है, टोंक है, बारा है,
तो वहाँ की लोकल शॉप से थी, तो कोई बात नहीं, ये सब अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर ला करके सेल करते हैं, ऐसा यही बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हाथों से निकल सारे रियो कॉटन। ये शॉप भरतपुर की है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप खुद ही बनाते हैं? हाथ से बनी हुई सब। कहाँ से ये दुकान खुली है? मेले में जाती हूँ ना मैं, किसी भी मेले में चली जाऊँ, पर ये जो शॉप होती है ना, ये मेरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें खट्टी मीठी गोलियाँ जो बचपन की याद दिलाती हैं वो सारी इसमें मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं भी कुछ ले लेती हूँ, टेस्ट कर करके लेती हूँ। आधा में दे दूंगी। इसमें नॉर्मल आती है, इसमें इमली ज्यादा आती है थोड़ी बस। इसमें कलर भी मिक्स है, इसमें कलर मिक्स है, इसमें चीनी लगी। ये जूट के धागे से बनी हुई कुछ गुड़ियाएं यहाँ पर थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, और ये मार्बल से बने हुए कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें मैं देख रही थी, और फाइनली ये पूरा मेला मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ से। अब धीरे धीरे से भीड़ स्टार्ट होने लगी और ये तिल का तेल यहाँ निकल रहा है। आज बड़े दिनों के बाद ये जो कॉटन कैंडी है ना, ये दिखाई दिया है। वैसे तो हम इसको बुड्ढी के बाल बोलते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कमेंट जरूर करना मुझे, कमेंट करके बताना आप क्या बोलते हैं इसको। तो फाइनली हस्तशिल्प मेले में आ गई, मेले से आ गई हूँ। लेकिन इस बार इतनी कोई ख़ास जो शॉप्स थी ना, वो नहीं आई थी स्टेट्स की जैसा कि बताया गया था, बट एक कश्मीरी स्टॉल शॉप ज़रूर लगी थी वहाँ पर, तो वो भी इतनी मुझे ख़ास नहीं लगी ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें थी ना उनके पास में इतना अट्रैक्टिव नहीं थी। अब क्या पता ये जो शुरुआत है तो उसमें इतना निकाल नहीं रहे हैं, बाद में अगर हो सकेगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो घर पे आ गई हूँ, लंच करूँ, सॉरी लंच नहीं, अपना जो डिनर है वो करूँगी। वैसे वीडियो का एंड तो मैंने पहले ही कर दिया था, बट मैंने सोचा कि एक शॉट ले लेती हूँ, क्योंकि मेले में एक भीलवाड़ा से कोई शॉप आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर शॉप्स लगती हैं, तो भीलवाड़ा से एक शॉप आई थी, मुझे नाम उसका एक्चुअल में पता नहीं है, बट ध्यान नहीं दिया था मैंने, तो वहाँ पर पानी पूरी का एक मसाला, वो उन्होंने उनका जो खुद का ही प्रोडक्ट था, तो वो 10 रुपए का पैकेट था, तो मैंने ट्रायल के लिए लिया है। तो अभी मैंने जो गोलगप्पे होते हैं ना, पताशी वो मंगवाई है अपने लिए, तो उसको मैं पानी को टेस्ट करूँगी, पानी मैंने बना लिया है, और अभी टेस्ट करके देखती हूँ कि वो पानी का जो मसाला है वो कैसा लग रहा है। तो ये वो है पानी जो मैंने घोल लिया है, और मतलब सूखा पाउडर था जिसको ठंडे पानी में घोल लिया है, और मैंने भी ये मसाला मंगवा लिया है आलू का, और ये है साथ में गोलगप्पे, आधे फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं गोलगप्पा किसी को दिखना चाहिए और फटाक से मुंह में चले जाते हैं। तो ये पानी का जो टेस्ट है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। गोलगप्पे में आलू का मसाला डाल देते हैं। सच में आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ सुबह से, बता नहीं सकती हूँ मैं, आज पूरा दिन इतना बिजी रहा है ना, और ये जो पानी है ना ये डालते हैं, चखते हैं उसका जो पाउडर वाला जो कैसा मसाला निकलता है। ये 10 रुपए जितना ही है इसका टेस्ट, जो हम स्ट्रीट फूड में खाते हैं ना, ये मतलब पानी पताशे का जो ठेले वाले से लेते हैं ना, उसका टेस्ट अलग आता है, और इस वाले जो मसाले का टेस्ट में बिल्कुल भी, मतलब खटाई तो मुझे कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आ रही, खटाई बहुत कम है इसमें। तो पानी पताशे का जो पानी होता है ना, उसमें एकदम से अगर चटकारा लगता है ना, वही पानी पताशे का पानी होता है, वही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप बताइए आपको कौन सा वाला पानी अच्छा लगता है जिसमें एकदम से चटकारा आए ना, तो इसमें एवरेज ही है टेस्ट, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बिल्कुल। करूंगी
और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरा ये ब्लॉग अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए इसको एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।